हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं ये एक हिंदी में पिक अ कार्ड रीडिंग है, जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे कि वो इस वक्त करंट टाइम में प्रेजेंट में आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनको महसूस होता है, ये हम उनकी एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो अपने माइंड में आप ये बात रखिए क्योंकि कि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो बहुत बढ़िया, प्लीज़ मेरी वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर नहीं होती है तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और रीडिंग आपके लिए बनी हो। तो कार्ड्स की तरफ हम फोकस करते हैं। ये तीन पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है और पाइल नंबर 3 है। पाइल नंबर 1 में ये शेल है, पाइल नंबर 2 में ये मेटल का पॉट है और पाइल नंबर 3 में ये ट्रांसपेरेंट ग्रीन स्टोन है। तो आप इन तीनों पाइल्स पे फोकस करके अपना कोई एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। जिस भी पाइल की तरफ आपको ज़्यादा अपना झुकाव महसूस हो आप उस पाइल को चूज़ करिए। और टाइम स्टैम्प जो है कि किस समय पे कौन सा पाइल की रीडिंग हो रही है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरी बात ये कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अगर आप चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं thejholewali@gmail.com पर। तो शुरू करते हैं रीडिंग आज की पहले पायल से। तो पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये शेल चुना है, देखते हैं कि आपके कार्ड में क्या है, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है इस वक्त। ये 4 कार्ड्स हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, सेकंड कार्ड है हायरोफेंट, गुड, ओके। थर्ड कार्ड है द वर्ल्ड, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है पाइल नंबर 1। रेडर वेट में देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका द हाई प्रीस्टेस, सेकेंड में है आपका 10 of Cups, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट है लेकिन स्टेडी मूवमेंट है, एंड 3 of Wands, स्टेडी है। थोड़ा हो सकता है कि आपकी बातचीत इतनी ना हो रही हो सकता है कि आप जिस तरीके से चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त सेम चीज महसूस ना कर रहे हो, उनके माइंड में कुछ और बात हो, बट डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं। वो आपको फर्टाइल समझते हैं कि अगर वो आपके साथ घर बसाएंगे, आपके साथ एक फैमिली बनाएंगे, घर बसाएंगे, तो वो चीज जो है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आप दोनों खुश रहेंगे। ये उनकी करंट एनर्जी है, उनके माइंड में ये बात है। ओके, हो सकता है कि वो आपके साथ फैमिली प्लान करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है और यहाँ पर बच्चे हैं। हो सकता है कि वो एक घर बसाने की, फैमिली प्लानिंग करने की के बारे में सोच रहे हो। फिलहाल हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट रिलेशनशिप में बैलेंस, मजबूती और एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है। सेम वही चीज हायरोफेंट का कार्ड अगर हम रेडर वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो शादी का कार्ड माना जाता है, क्योंकि ये एक प्रीस्ट की तरह है, पंडित की तरह है, जो कि शादी करवाते हैं, फेरे करवाते हैं। तो जैसे इस कार्ड में भी आया है कि घर बसाने वाली एक एनर्जी है, साथ में रहने की, स्टेबल होने की एनर्जी है। तो कप्स जो होते हैं वो कार्ड्स में फीलिंग्स को दर्शाते हैं। तो फीलिंग्स तो 10 on 10 है, करंट फीलिंग्स, लेकिन फिर भी वो चीजों को बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ही और शी जो भी हैं वो अपना वक्त ले रहे हैं। डेफिनेटली उनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं,
लेकिन वो चीजों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं इस रिश्ते में। और आपकी तरफ भी वो इसी तरह से देखते हैं, या वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, जो भी फेमिनिन एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, उनकी एनर्जी ये है कि वो उनको उनको फर्टाइल नजर से देखते हैं, या वो फर्टाइल है, या फैमिली प्लानिंग का कुछ स्कोप है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ नया चीज, कोई नया पढ़ाव शुरू हो सकता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है हमारे पास। तो डेफिनेटली यूनिवर्स तो आपके साथ में है ही, गॉड आपके साथ में है इस रिश्ते में, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वर्ल्ड का कार्ड है। तो एक साइकिल जो है हो सकता है कि आपके रिश्ते की कंप्लीट हुई हो, आप एक नए पढ़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, या अगर आप इतने सीरियस नहीं थे तो हो सकता है कि आप लोग या आपके पार्टनर जो है वो अपने माइंड में सोच रहे हो कि वो इस रिलेशनशिप को सीरियसनेस की तरफ लेकर जाएं, थोड़े सीरियस हों रिलेशनशिप में ताकि लाइफ में आपके साथ स्टेबल हो सके। पर फिर भी वो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा हबड़ तबड़ नहीं करना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनसे बहुत ही सोच समझ कर वो स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत ही चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो करंट फीलिंग है वो ये है कि वो आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, मींस फेसिंग यू, आपकी ही और शी जो भी है आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपने इमोशंस, अपने जो भी उन्होंने अपने माइंड में सोचा है वो चीज आपको बताएंगे। अभी फिलहाल उनकी करंट एनर्जी ये है कि वो रुक कर सोच रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक दूसरे नजरिए से भी देखने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका रिलेशनशिप जो है, जो भी आप मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मुझे लगता है कि जो फेमिनिन है वो इस करंट फेज में इस वक्त बहुत फर्टाइल है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का कार्ड है। प्रेगनेंसी का कार्ड इट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल फॉर्म में ही हो, कि आप रियल में प्रेग्नेंट हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई नई चीज शुरू होने वाली हो जो कि पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, एनर्जी इसके बैलेंस का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, फॉर्च्यून आपके साथ है, और मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट थोड़ी स्टेडी है। आगे इन कार्ड्स में देखते हैं, कुछ कार्ड्स हैं, क्या मैसेज है इनके माइंड में, क्या वो सोच रहे हैं। माय हार्ट बीट्स फॉर यू, दे लव यू डेफिनेटली, आपके बारे में सोचते हैं, सोच रहे हैं। हो सकता है कि जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि टाइम फ्लूइड हो सकता है, आप अभी देख रहे हो या मेरे ये रीडिंग पोस्ट करने के एक साल बाद, चार साल बाद, पांच साल बाद देख रहे हो, तो ये टाइम फ्लूइड होता है, एनर्जी भी फ्लूइड होती है। तो माय हार्ट बीट्स फॉर यू, आपके पार्टनर फिलहाल इस करंट टाइम में ये महसूस करते हैं आपके लिए, कर रहे हैं। दूसरा कार्ड जो है, ओके, थिंग्स आर आउट ऑफ माय कंट्रोल, कुछ ऐसी चीज है आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके कंट्रोल से या उनके हाथ से कुछ चीजें हैं जो बाहर जा रही हैं, या जनरली रिलेशनशिप में या लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल उनके कंट्रोल में नहीं है। यूनिवर्स विल मेक इट हैपन डेफिनेटली, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और वर्ल्ड का कार्ड है। तो जो भी कुछ आप अपने माइंड में सोच रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, उनका भी यही मानना है, आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है। सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, हो सकता है कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग सोचते हैं लेकिन हमको रियलाइज नहीं होता कि हम किस बारे में सोच रहे थे या हमारे माइंड में क्या थॉट्स आ रहे थे। तो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ऐसा हो सकता है कि वो भी ये मानते हों कि गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपके रिलेशनशिप में काम कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहा है, आपके फ्यूचर को, एक ब्राइट फ्यूचर की ओर ले जा रहा है आपके रिलेशनशिप को। बेबी ऑन बोर्ड, ओके, बेबी ऑन बोर्ड, एम्प्रेस, बेबी ऑन बोर्ड। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, बट बेबी ऑन बोर्ड, ओके, कांग्रेचुलेशंस टू दोज हु आर प्लानिंग, दोज हु आर फैमिली प्लानिंग, कांग्रेचुलेशंस। सो एंड देन, ओके, वन मोर कार्ड, आई मिस यू,
बट आई एम स्टक। मैं आपको याद करता हूँ, याद करती हूँ, बट मैं इस वक्त अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रही हूँ। तो वो सेम चीज है, थिंग्स आर आउट ऑफ माई कंट्रोल। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की स्टेडी मूवमेंट, धीरे रिश्ते को धीरे आगे बढ़ाना या रिश्ते में किसी तरीके का स्टॉपेज आ जाना, आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख पा रहे होंगे। तो थिंग्स आर आउट ऑफ माई कंट्रोल, आई मिस यू बट आई एम स्टक। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग बातचीत ना कर रहे हो, या आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हो, या फिर वो आपके पार्टनर जो है या आप जो है अपने काम में इतने बिजी हो या दूसरी चीजों में इतने बिजी हो कि एक दूसरे को टाइम ना दे पा रहे हो। तो हो सकता है, या आप एक दूसरे को इनफ इमोशनल सपोर्ट ना ऑफर कर पा रहे हो, ये चीज भी हो सकती है। तो ये उनकी फीलिंग्स है, उनकी करंट एनर्जी है ये। तो हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि आपके साथ सेटल डाउन हो, आपके साथ फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, बच्चे हो, घर हो, स्टेबिलिटी हो लाइफ में, पैसा हो लाइफ में। हो सकता है कि वो इस वक्त फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हो, इस वजह से उनकी जो करंट एनर्जी है वो थोड़ी स्टेबल है, थोड़ी सी स्टेडी है, धीरे है आपकी तरफ ज्यादा। आपको शायद वो ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि वो शायद आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, बट वो आपको याद करते हैं एंड वो अपने आप को स्टक यानी कि फंसा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि चीजें उनको महसूस हो रहा है इस वक्त की जो चीजें, जो सिचुएशन चल रही है फिलहाल, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। हो सकता है वर्कलोड हो सकता है फैमिली का कोई इशू हो, कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप इट रेजोनेट्स विद यू, और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज मेरे वीडियो को थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि ज्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि उसमें मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग करके बता सकती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो जाती है तो बहुत बढ़िया। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने कि ये पॉट चुना था, ये मेटल का पॉट जिन्होंने चुना था पाइल नंबर 2, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। तो आपको फर्स्ट कार्ड है चैरियट, मूवमेंट का कार्ड है। दूसरा कार्ड है आपका, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है द हैंग्ड मैन, त्याग, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज या चीजों को दूसरे नजरिए से देखने का तरीका और कोशिश, सॉरी द टावर। कुछ हो सकता है कि करंटली आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई झगड़ा हो गया हो, या आप लोग बातचीत ना कर रहे हो, या आपका ब्रेकअप हो गया हो, डाइवोर्स हो गया हो। ये रीडिंग हो सकता है कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं। स्ट्रेंथ, डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिससे निकलने के लिए यूनिवर्स फिलहाल आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक मुश्किल दौर है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी करंट टाइम में चीजों को, हो सकता है आपके नजरिए से देखने का, या किसी तीसरे इंसान के नजरिए से अपने रिश्ते को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हों। तो यहाँ पे बहुत सारी अर्थ एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एयर एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, आप या वो हो सकते हैं। रेडर वेट में देखते हैं क्या एनर्जी है। पहला कार्ड है आपका 10 of Wands का। तो डेफिनेटली फिलहाल वो किसी चीज को लेकर बर्डन महसूस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये रिश्ते के बारे में ही हो सकता है अपने काम को लेकर, फैमिली सिचुएशन को लेकर, या किसी भी और मसले को लेकर वो बर्डन महसूस कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है द हैंग मैन का, जो कि रिपीट हुआ है। ये सेक्रेड इंडियन टैरो डेक है, इसमें भी ये हैंग मैन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली वो चीजों को दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, और उनको इस करंट टाइम में, प्रेजेंट में, उनको बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जो रियलाइज हो रही हैं। नॉट नेसेसरीली अबाउट योर रिलेशनशिप, जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप के बारे में ही, हो सकता है कि उनको अपने खुद के बारे में कुछ चीजें हो जो वो पहले ना जानते हो, जो उनको रियलाइज ना हो रही हो, वो अभी उनको रियलाइज हो रही है। मुश्किल वक्त से वो गुजर रहे हैं,
पर वो डेफिनेटली मूवमेंट भी चाहते हैं, इस टाइम से आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, या इस टाइम से आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीज़ें रियलाइज़ करने के बारे में कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये टाइम उनके लिए मुश्किल है, कुछ हुआ है ऐसा उनके साथ, उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, वो खुश तो नहीं है। उनके माइंड में फिलहाल शांति बिल्कुल नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं और अपने दिमाग पर बहुत जोर डालकर वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है फिलहाल जैसे कि वो किसी स्टॉर्म में फंसे हों, जैसे कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में दिखाया है, या हो इसमें ये हो सकता है क्योंकि टावर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, डाइवोर्स हुआ हो, आप लोग सेपरेशन में हो, तो ये वक्त जो है वो काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनकी एनर्जीज जो है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है फिलहाल, डेफिनेटली रात को सो नहीं पा रहे हैं वो, इनसोमनिया टाइप का कुछ है, उनको नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जब अकेले में बैठते हों तो अब रोते हों, आपको याद करते हों, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद करते हों, और इस चीज़ से निकलने के लिए वो गॉड से प्रे करते हों कि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे ताकि वो अपनी सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाए। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है एनर्जी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सैडनेस है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू, आपको याद करते हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ जो है आपके साथ बिताना चाहते हैं। एज गैप हो सकता है कि आप लोगों में एज गैप हो, वो आपसे उम्र में थोड़े बड़े हों या आप उनसे उम्र में तो कुछ साल बड़े हों, एज गैप हो सकता है, पॉसिबल है। आई नीड यू, डेफिनेटली सैड है, अकेला महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत है इस वक्त, कि ये वक्त जो है उनके लिए मुश्किल है। यूनिवर्स मेड इट हैपन, उनको ये चीज़ हो सकता है कि अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हो कि ये जो रिश्ता है या ये जो इंसान है जिसके साथ अब मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, ये रिश्ता जो था ये तो यूनिवर्स की तरफ से आया था, ये तो गॉड ने मेरी लाइफ में भेजा था, जो कि अब नहीं है, या सेपरेशन हो गया है या ब्रेकअप हो गया है, जो भी है, ये चीज़ उनके माइंड को अपसेट कर रही है, वो परेशान हो रहे हैं इस बारे में सोच के। आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई हैड टू, सो डेफिनेटली डिस्टर्ब है, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इंसान एक ही जगह ठहरा हुआ नहीं रह सकता। मूविंग का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, पहला कार्ड ही आपका मूवमेंट का निकल के आया था, तो वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है, कोई लिंक है जो उनका आपसे जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपने एक दूसरे के साथ काफ़ी साल, काफ़ी वक्त बिताया हो, या आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही डीप कनेक्शन हो, और मूव ऑन करना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये आपके पार्टनर की पाइल नंबर टू, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। अगर ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी आईडीज के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं thejholewali@gmail.com पर। अब बढ़ते हैं थर्ड पाइल की ओर, देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर थ्री ये ट्रांसपेरेंट ग्रीन स्टोन चुना था, उनके पार्टनर की फिलहाल जो है क्या करंट में क्या एनर्जी है, क्या क्या महसूस कर रहे हैं वो उस वक्त, क्या उनकी करंट एनर्जी है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। द फूल पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड असुरा द डेविल, हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न हो सकता है टॉरस या वर्गो हो, आप या वो, द लवर्स जेमिनाई भी हो सकते हैं, एंड जजमेंट
तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं आप या वो। सन, मून, राइजिंग, जिस भी तरीके से आप अपना जोडियक साइन कंसिडर करते हो, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। रेडर वेट में देखते हैं क्या कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड आपका आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं या अपनी महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त, करंट फीलिंग, करंट एनर्जी जो है उनकी, किसी चीज में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं या अपने इमोशंस शायद को इस वक्त जता नहीं पा रहे हैं किसी चीज को लेकर। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा स्टेप आ गया हो जब उनको लग रहा है कि अब उनको एक डिसीजन लेने की जरूरत है, ऐसा डिसीजन जो आप दोनों की लाइफ में या उनकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ेगा। बट उनकी करंट फीलिंग्स प्यार की भी है, लव है, पुरुष एंड प्रकृति। कुछ थोड़ी नेगेटिविटी है यहाँ पे, कुछ टॉक्सिसिटी है, हो सकता है मटीरियलिस्टिक चीजों पे, दुनियावी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो रिलेशनशिप को छोड़कर। हो सकता है कि किसी ने उनको किसी तरीके से बहका दिया हो। फूल का कार्ड है, किसी ने उनके कान भर दिए हो और अब वो आपकी बात ना सुनना चाह रहे हो, जल्दबाजी में उन्होंने कोई फैसला ले लिया हो या वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कोई डिसीजन ले लेता हूँ। देखते हैं आगे रीडिंग में क्या है। 6 ऑफ कप्स है। आप अपने पार्टनर को, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनको काफी लंबे टाइम से जानते हैं, हो सकता है आप लोगों में एज गैप भी हो। कुछ ऑफर करना चाहते हैं किसी को, वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं। टावर का कार्ड है, कोई चीज ऐसी है जो कि खत्म हुई है। उनकी फीलिंग्स अभी इस वक्त बहुत ज्यादा मिक्स्ड है, करंट जो उनकी फीलिंग्स है काफी मिक्स्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज का एक मिक्स सा चल रहा है उनके माइंड में। देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑफर करना चाह रहे हैं। क्या ऑफर करना चाह रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी ओर बढ़ना चाह रहे हो, आपको कुछ आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, या अगर आपकी बातचीत बंद हो तो आपसे बातचीत करना चाह रहे हो, लेकिन बीच में कोई ऐसा डर है उनके मन में जो उनको ऐसा करने से शायद रोक देता है, लेकिन फिर अंत में उनके दिमाग में यही आता है कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए या कुछ। कांट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देना चाहते, वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से चले जाएं। बिल्ड अ होम विद यू, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। मैनिफेस्टिंग यू, आपके बारे में सोच रहे हैं, यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हो, कि चीजें जो है, आपका रिश्ता जो है वो बेहतर हो जाए, या मन ही मन वो ऐसा चाहते हैं कि चीजें जो है वो उनके हाथ से ना निकले, आप उनसे दूर ना हो जाए कहीं। इट इज नॉट इन आवर डेस्टिनी। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो और उनके माइंड में ये चीज आ रही हो कि शायद हमारी किस्मत में ही ये नहीं है, पर वो आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहे हैं। कांट लेट यू गो, बार बार शायद उनके माइंड में यही थॉट आता है, आपका थॉट आता है, वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि आपके साथ सेटल डाउन हो जाएं, घर बसाएं। 5th कार्ड है, यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये हो सकता है कि आप उनको अब काफी लंबे टाइम से जानते हो, कई सालों से, कई महीनों से, कई अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये कि आप उनको कब से जानते हो। हो सकता है कि आप उनको स्कूल के टाइम से जानते हो, जब से आप छोटे थे तब से जानते हो, या टीनेज से जानते हो, या कॉलेज टाइम से उनको जानते हो, आप उनको काफी लंबे टाइम से जानते हो। इस सिनेरियो में, इस
एनर्जी के मिक्स में वो कुछ स्ट्रेस्ड हैं, हो सकता है कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हों, आपके रिलेशन ख़त्म हो गया हो। करंट एनर्जी में उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी जो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, पर वो उसको जाने नहीं देना चाहते। आपके रिश्ते को हो सकता है कि वो जाने नहीं देना चाहते, कांट लेट यू गो। कुछ उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिसेंटली लिया है प्रेजेंट में या लेने वाले हैं, पर वो जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, करंटली वो ये मानते हैं कि आप हैं तो उनके लवर ही, ट्विन फ्लेम हैं। अर्थ एनर्जी बहुत है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप या वो। एरीज लियो और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। सो बेसिकली उनके माइंड में एक डर है फिलहाल के लिए, करंट एनर्जी में आपको जाने नहीं देना चाहते, लेकिन चीजें शायद ऑलरेडी उनके हाथ से निकल चुकी हैं। कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं फिलहाल। तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए। अगर ये रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन हो तो वो कॉमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। पर्सनली भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगी अब अगली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते।